गुरुवार 21 दिसंबर को राज्यसभा से 3 क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल सबकी सर्वसम्मति से पास हो गए। इससे पहले ये तीनों बिल बुधवार को लोकसभा से भी पास कर दिए गए हैं। बता दें, ये बिल ऐसे समय में पास हुए हैं जब संसद में हुई चूक के मामले में कुल 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें लोकसभा से 97 सांसद और राज्यसभा से 46 सांसद शामिल है। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा, इन तीनों बिल पर सितंबर 2019 से काम करना शुरू हो गया था। उसके बाद 2020 में इन तीनों बिल को लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और विश्वविद्यालयों को एक लेटर लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे इन तीनों कानूनों को समाहित करने का काम शुरू हुआ। 2021 में सांसदों, आईपीएस अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी लेटर लिखा गया। आगे शाह ने कहा, 18 राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकेडमी, 22 विश्वविद्यालय, 42 संसद और 135 आईपीएस अधिकारियों के 42 सुझावों से मिलकर ये कानून बनाए गए हैं। मैंने खुद इन कानूनों के लिए 128 बैठकें ली है। उसके बाद ये तीनों कानून स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए। इस दौरान कमेटी के 72% सुझावों को कानून में शामिल किया गया। मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग पूछते हैं कि इस बिल के पास होने से और इस कानून के बनने से क्या होगा, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे ही ये कानून लागू हो जाएंगे, वैसे ही तारीख पर तारीख देने वाले दिन किसी को नहीं देखने पड़ेंगे। चाहे कोई भी मामला हो, इस बिल के जरिए हर मामले में 3 साल में न्याय दिलवाने का उद्देश्य रहेगा। आगे अमित शाह ने कहा, गांधी जी ने कभी भी शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हमेशा स्वराज की लड़ाई लड़ी। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि नए कानून की क्या जरूरत है। मैं उन लोगों को साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को स्वराज का मतलब ही नहीं पता है। स्वराज का मतलब स्वशासन नहीं होता है, इसका मतलब स्वधर्म, भाषा, संस्कृति को आगे बढ़ाना है। जो काम कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जो काम कांग्रेस सरकार अधूरे छोड़ गई, उन सभी कामों को मोदी जी ने पूरा किया है। मौजूदा समय में देश में कई केस लटके हुए हैं। बॉम्ब ब्लास्ट जैसे केसों के आरोपी पाकिस्तान जैसे देशों में छिप कर बैठे हैं, और जो हमारे देश के खिलाफ आए दिन नई नई साजिश रचने का प्रयास करते रहते हैं, अगर वो आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल किया जाएगा। बता दें, गुरुवार को लोकसभा से ये 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गए हैं। इससे पहले 20 दिसंबर को भी ये तीनों बिल राज्यसभा से पास कर दिए गए हैं। अब इन तीनों बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।